हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक वन मॉड्यूल फोर एनर्जी कलेक्शन नंबर 18 साउंड एंड कम्युनिकेशन का बचा हुआ पार्ट आज कवर करने वाले हैं, जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learners, today we are going to study about section 18.7, which is need and importance of communication. So let's start. Many of our actions are in relation with actions, expectations or thoughts of others. The same is true of others. Communication need not always be verbal, though sometimes facial expressions or body language give clues to what is going on in mind. But that is not very common, and generally thoughts are in mind and we can't read them. Have you ever seen a face that conveyed sadness as if seeking help? You took pity and did something for that person? Possibly yes. But unless you talked, you wouldn't know the requirement exactly. It's by communicating among ourselves that we know each other's thoughts and take actions. Therefore, communication is very important in life, and an illiterate person doesn't read or write. Communication through sound assumes prime place. Sometimes sound is heard directly, sometimes through instruments like loudspeakers, and sometimes it's communicated over large distances using complex equipments. हमारा जो बहुत सारा एक्शन है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, जैसे हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है थॉट्स का दूसरे के साथ, और ये हमारे साथ भी खुद से होता है। जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ वर्बल नहीं होता, हम लोग कुछ फेशियल एक्सप्रेशन और जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो भी कुछ क्लूज देता है कि माइंड में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, जनरली जितने भी थॉट्स माइंड में चल रहे होते हैं हम लोग उसको रीड नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने कभी क्या ऐसा फेस देखा है जो सैडनेस से भरा हो और वो हेल्प के लिए ढूंढ रहा हो? आप उस पर शायद दया दिखा दे और उस पर्सन की हेल्प कर दे, शायद संभवतः यह हुआ हो। लेकिन जब तक आप उस पर्सन से बात नहीं करेंगे तो आप उसके एग्जैक्ट उसके क्या रिक्वायरमेंट है आप उस चीज को नहीं जान पाएंगे। सो बेसिकली आप कम्युनिकेट करके आपस में ही उस चीज को जान पाइएगा और आप उसके ऊपर एक्शंस लीजिएगा। इसलिए जो कम्युनिकेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में। इवन एक जो इलिटरेट पर्सन है वो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, लेकिन वो कम्युनिकेट कर सकता है एक दूसरे के साथ। हम लोग जो साउंड है वो कभी डायरेक्टली सुनते हैं या कभी इंस्ट्रूमेंट से वो साउंड निकलता है जैसे लाउड स्पीकर, और समटाइम्स ये हम लोग लार्ज डिस्टेंस पे जो भी लोग रहते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं बाय द यूजिंग कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स। सेक्शन 18.7.1 डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड डिवाइसेस। सम कॉमन डिवाइसेस ऑफ For sound communication, other than independent oral or printed communication are given below. Microphone and speakers, telephone, satellite, computer and internet in communication, ham. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स और डिवाइसेस के लिए डिफरेंट टाइप्स है। जो कुछ कॉमन डिवाइसेस है जो साउंड कम्युनिकेशन के लिए वो यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट माइक्रोफोन और स्पीकर्स, सेकंड टेलीफोन, थर्ड सैटेलाइट कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन कम्युनिकेशन, एंड फोर्थ हैम। सो लेट्स सी व्हाट इज माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स बिफोर वी हैव टू परफॉर्म एक्टिविटी 18.4। टू अंडरस्टैंड दैट एयर पुशेस व्हेन इन मोशन, टेक अ कैंडलस्टिक, मैच बॉक्स, अ फैन एंड अ लाउड स्पीकर। लाइट द कैंडलस्टिक एयर and hold it in front of a running fan. The flame flickers and sometimes extinguishes. Air in motion has pushing quality. If you do the same exercise with a burning candle and a loudspeaker, a similar thing happens. The reason for the flame getting extinguished is the pressure of the air. In the first case, the source is the fan. In the other, it is the loudspeaker. A loudspeaker reproduces sound through the motion of its diaphragm, which pushes the air, leading to compressions and rarefactions. तो आप
ये समझिए कि हमारा जो एयर है वो मोशंस में रहता है, वो अपने मॉलिक्यूल्स को पुश करता है। इसको समझने के लिए कैंडलस्टिक की जरूरत होगी, एक मैच बॉक्स की जरूरत होगी, एक पंखे और एक लाउडस्पीकर की जरूरत होने वाली है। अब उस कैंडल को जलाना है और उसे चलते हुए पंखे के सामने में होल्ड करना है। तो जो फ्लेम है या तो फ्लिक करेगा, या फिर समटाइम क्या होता है कि वो पूरी तरह से एक्सटिंगाइज हो जाएगा, मतलब कि जो जलता हुआ फ्लेम है वो बुझ जाएगा। तो जो एयर है वो मोशन में रहता है और वो अपने मॉलिक्यूल्स को पुश करता है। अगर आप सेम एक्टिविटी, जो बर्निंग कैंडल, आप उसको लाउडस्पीकर के सामने लेके जाएंगे तो सेम चीज होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? जो फ्लेम है वो एक्सटिंगाइज हो जाता है एयर के प्रेशर की वजह से। फर्स्ट केस में फैन सोर्स है और अदर केस में लाउडस्पीकर सोर्स है। जो लाउडस्पीकर है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है अपने एयर को पुश करके अपने डायफ्राम के थ्रू मोशन से, और इसके लीडिंग में कॉम्प्रेशंस और रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं। द माइक्रोफोन्स माइक और माइक इन शॉर्ट एंड द स्पीकर्स आर वेरी कॉमन इक्विपमेंट्स। यू सी देम नॉट ओनली इन पब्लिक मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, यू कम अक्रॉस देम इवन व्हेन यू सी योर फोन। द वर्क ऑफ अ माइक्रोफोन एंड अ स्पीकर आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। अ माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इंटू इलेक्ट्रिकल इंटाइटी और वोल्टेज, वाइल अ स्पीकर कन्वर्ट्स द वोल्टेज इंटू साउंड बाय मूविंग द डायफ्राम ऑफ द स्पीकर एंड प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन इन द एयर। बेसिकली अ माइक्रोफोन हैज अ डायफ्राम पुशेज इट। दिस मूवमेंट कैन बी कन्वर्टेड इंटू प्रोपोर्शनल वोल्टेज यूजिंग सेवरल पॉसिबल ट्रांसड्यूसर्स। Here, a transducer is a device which receives electrical, mechanical, or acoustic waves from one medium and converts them into related waves for a similar or different medium. जो माइक्रोफोन, जिसे हम लोग माइक भी बोलते हैं सिंपली, और जो स्पीकर्स, वो कॉमन इक्विपमेंट से आप लोग उसे सिर्फ पब्लिक मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस में ना नहीं देख सकते, बल्कि आप उसे अपने जो फोन को आप यूज करते हो उसमें भी आप माइक्स को माइक्रोफोन्स को देखिएगा। जो माइक्रोफोन है और जो स्पीकर है वो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करता है। माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल एंटिटी को कन्वर्ट करता है, ठीक है, और जो हमारा स्पीकर है वो वोल्टेज को साउंड में कन्वर्ट करता है। डायफ्राम को वो मूव करता है और जो स्पीकर है वो प्रोड्यूस करता है वाइब्रेशंस एयर में। बेसिकली एक माइक्रोफोन का जो डायफ्राम होता है वो मूव करता है जब साउंड का प्रेशर उस पर पड़ता है, और ये मूवमेंट को कन्वर्ट करता है प्रोपोर्शनल वोल्टेज के थ्रू यूजिंग सेवरल पॉसिबल ट्रांसड्यूसर्स। ये बहुत सारे पॉसिबल ट्रांसड्यूसर्स का हेल्प लेता है जिससे जो प्रोपोर्शनल वोल्टेज है वो मूव करता है। एक जो ट्रांसड्यूसर होता है एक ऐसा डिवाइस है जो कि रिसीव करता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और अकाउस्टिक वेव्स एक मीडियम से, और वो कन्वर्ट करता है रिलेटेड वेव्स में सिमिलर और डिफरेंट मीडियम के हेल्प से। द माइक्रोफोन्स कैन बी ऑफ सेवरल टाइप्स सच एज इलेक्ट्रोस्टेटिक, कंडेंसर, कैपेसिटर यूजिंग प्लेन और आरएफ वोल्टेज, पीजियो इलेक्ट्रिक, क्रिस्टल एंड सेरामिक, कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस कार्बन एंड मैग्नेटिक, मूविंग कॉइल एंड रिबन। माइक्रोफोन्स बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टेटिक, कंडेंसर कैपेसिटिंग जिसमें आरएफ वोल्टेज को यूज किया जाता है, पीजियो इलेक्ट्रिक, क्रिस्टल और सेरामिक, कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस जिसमें कार्बन का यूज किया जाता है, और मैग्नेटिक जिसमें जो कॉयल और रिबन है वो मूव करते रहता है। हियर फिगर 18.10A शोज स्ट्रक्चर ऑफ अ कंडेंसर कैपेसिटर ऑफ माइक्रोफोन। तो जो कैपेसिटर का स्ट्रक्चर है माइक्रोफोन में उसे फिगर 18.10 शो कर रहा है। द डायफ्राम शोज अ कंडेंसर माइक्रोफोन, इट हैज अ थिन डायफ्राम ऑफ थिकनेस 1 to 10 micrometers. 1 micrometer or micron is 1 millionth of a meter or 1,000th of a millimeter. Close to this plate, metallic or metallized plastic stands another metallic plate with holes. These two plates act as electrodes and are kept at opposite polarities by supplying voltages from negative 60 to plus 60 volts DC. To behave as a condenser, they should be insulated from each other. When sound wave pushes the diaphragm, it vibrates and the capacitance of the condenser or capacitor changes. This is because
The capacitance is proportional to the potential difference and inversely proportional to the separation between the plates. Any change in the separation changes the capacitance. The capacitance is also dependent upon the medium, but as the medium here remains the same, so we ignore this parameter. The valves of the resistance and the capacitance are chosen such that the change in voltage is immediately reflected in the voltage across the resistance in series. Any change in the capacitance, meaning any change in sound, leads to voltage change. The voltage is fed to an amplifier. When the amplified voltage is applied to the coil of a speaker, it reproduces the sound which changes with the input sound. The functioning of the speaker is just reverse. The electrical voltage is fed to the speaker coil and the change causes the diaphragm to vibrate and produce sound. So basically your diagram show कर रहा है कंडेंसर माइक्रोफोन को, इसके जो थिन डायफ्राम है जिसकी जो थिकनेस है वो 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होते हैं. 1 माइक्रोमीटर और 1 माइक्रोन इक्वल होते हैं 1 मिलियनथ ऑफ अ मीटर, मतलब कि मीटर का 1 मिलियनथ पार्ट, और 1000 ऑफ अ मिलीमीटर, और मिलीमीटर का हजारवा हिस्सा. इसके पास एक प्लेट होता है मेटालिक और मेटालाइज प्लास्टिक जो कि स्टैंड करता है दूसरे मेटालिक प्लेट्स पे होल्स के साथ, और ये जो दो प्लेट है वो इलेक्ट्रोड्स के जैसा वर्क करता है, और ये अपोजिट पोलैरिटीज में काम करता है और वोल्टेज को सप्लाई करता है -60 to +60 volts डीसी में, और ये कंडेंसर के जैसा बिहेव करता है और इनको इंसुलेटेड होना चाहिए एक दूसरे से. जब साउंड वेव पुश होता है डायफ्राम में तो ये वाइब्रेट होता है और जो कैपेसिटेंस है कंडेंसर का या फिर कैपेसिटर वो चेंज हो जाता है. ये ऐसा इसलिए होता है कि जो कैपेसिटेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. जो प्लेट्स में सेपरेशन होता है उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जो भी चेंज होता है सेपरेशन में प्लेट्स के वो कैपेसिटेंस की वजह से होता है, और जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड होता है मीडियम पे. लेकिन जब मीडियम यहाँ पे सेम हो तो हम लोग इस पैरामीटर को इग्नोर करते हैं, और जो वैल्यू है रेजिस्टेंस का और कैपेसिटेंस का वो हम लोग चूज करते हैं इस तरीके से कि जो उसमें वोल्टेज चेंज हो रहा है वो इमिडिएटली रिफ्लेक्ट करते उस वोल्टेज को इस रेजिस्टेंस सीरीज में, और जो भी चेंज है इस कैपेसिटेंस में वो वोल्टेज को चेंज करेगा, और जो वोल्टेज है वो एम्पलीफायर को फेड करेगा. जब एम्पलीफाइड वोल्टेज अप्लाई करेंगे स्पीकर के क्वाइल पर तो साउंड को ये रिप्रोड्यूस करेगा जो कि चेंज कर देगा इसको इनपुट साउंड में, और जो फंक्शन स्पीकर का वो रिवर्स हो जाएगा. इलेक्ट्रिकल वोल्टेज स्पीकर क्वाइल को फेड करेगा और जो डायफ्राम है वो वाइब्रेट करके साउंड का प्रोडक्शन करता है. इन अ रिबन माइक्रोफोन अ कॉर्यूगेटेड रिबन मेड ऑफ अ मेटल इज सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. Sound causes the ribbon to vibrate. This means change in magnetic flux through the ribbon. This induces an electric current which drives a speaker. When this current is flow through a coil attaches the diaphragm of the speaker, the diaphragm vibrates and produces sound. Space and materials developed using nanotechnologies are being used to make ribbons that will be light but strong. Being light improves to response to sound. The ribbon microphone senses pressure gradient and not just pressure, therefore it detects sound from both sides. Ribbon microphone में जो ribbon होता है वो metal से बना होता है और वो magnetic field में suspended होता है. इससे ribbon जो है वो vibrate करता है जिसके कारण sound का production होता है. इसका मतलब जो magnetic flux है वो ribbon के through चेंज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्पीकर को ड्राइव करता है. जब करंट फ्लो करता है कॉइल के थ्रू डायफ्राम में अटैच होकर तो जो स्पीकर है वो वाइब्रेट करता है और साउंड का प्रोडक्शन करता है. स्पेशल मटेरियल डेवलप होता है नैनो टेक्नोलॉजी के हेल्प से, और जो रिबन से उसको वो लाइट बनाता है लेकिन वो स्ट्रांग होता है, और जो लाइट इम्प्रूव होता है वो साउंड को रिस्पॉन्स करता है. रिबन माइक्रोफोन का सेंस करता है प्रेशर ग्रेडियंट को, ना कि सिर्फ प्रेशर को. इसलिए जो रिबन है वो डिटेक्ट करता है साउंड को बोथ साइड से. एंड नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चन 18.4. आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज टेलीफोन. इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन इज क्रेडिटेड टू अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. द टेलीफोन्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स, हैंडसेट्स, मोबाइल फोन, सैटेलाइट फोन एंड थ्रू इंटरनेट.
The basic function of a phone is to allow communication of voice both ways. Of late, phones with facility of transmitting images have also become available. The telephone may be with or without wire. In a wired phone, the basic structure is as follows. It has a microphone and a speaker. The microphone receives our voice and converts it into electrical signal. Similar processes occurs inside the mouthpiece of the telephone. A basic telephone has three main parts. Cradle with a hook switch, a mouthpiece which houses a microphone, a hearing piece which houses a speaker, as well as an 8 ohm speaker. The phone is rested on the hooks. As soon as the phone is lifted, the hooks pop up and the connection gets made inside the body of the cradle, which completes a dial tone ringer circuit. This produces a tone which is actually a mix of two tones, two frequencies. On hearing the dial tone, we know that phone is connected and we can dial a number. If the number is busy, when we dial, we hear another mix of tones. Over the times, the telephone has undergone many changes, including introduction of the cordless for short range and mobile phones. But as far as basic structure of a telephone set is concerned, it has remained the same. Here is the figure 18.11a shows the basic structure of a wired phone set in actual phone. There is a provision so that your voice does not reach and disturb you. So observe the picture carefully because it is asked in exam. अब हम लोग टेलीफोन के बारे में पढ़ेंगे. जो टेलीफोन की इन्वेंशन का क्रेडिट है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को जाता है. टेलीफोन सेवरल टाइप्स के होते हैं, जैसे हैंडसेट, मोबाइल फोन, सैटेलाइट फोन और थ्रू इंटरनेट. बेसिक फंक्शन फोन का क्या है, वो हमें अपने वॉइस के थ्रू कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है दोनों तरफ से. और अभी हमारे पास फोन के जो फैसिलिटी है वो बहुत सारे चेंज हुए. हम लोग इमेज को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं और ये हमारे लिए आज के जमाने में अवेलेबल है. जो टेलीफोन है वो वायर के साथ भी हो सकता है, विदाउट वायर भी हो सकता है. वायर फोन में बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि इस तरह से, इसमें माइक्रोफोन और स्पीकर होता है. जो माइक्रोफोन है वो रिसीव करता है हमारी आवाज को और कन्वर्ट करता है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. और यही जो सिमिलर प्रोसेस है वो माउथ पीस में भी होता है टेलीफोन के. बेसिक टेलीफोन के तीन मेन पार्ट्स है, क्रैडल विथ अ हुक स्विच, इसमें एक क्रैडल होता है इसमें और एक हुक स्विच होता है. एक माउथ पीस होता है जिसमें माइक्रोफोन होता है और एक हियरिंग पीस होता है जिसमें स्पीकर होता है. और जो स्पीकर होता है वो 8 ओम का होता है. फोन हुक्स पे रेस्ट करता है और जैसे ही फोन उठाते तो जो हुक्स है वो पॉप अप करता है और कनेक्शन हम लोग का हो जाता है. और इससे जो हम लोग डायल करते हैं टोन रिंगर सर्किट में, और इससे जो टोन है वो प्रोड्यूस होता है, जिसका एक्चुअली इसमें दो टोन्स मिक्स होते हैं एक दूसरे से. इसमें दो फ्रिक्वेंसीज का मिक्सअप होता है. हम लोग जब डायल टोन को सुनते हैं तो हम लोग जान जाते हैं कि जो फोन है वो कनेक्ट हो चुका है और हम लोग नंबर को डायल कर सकते हैं. अगर नंबर बिजी हो तो हम लोग जब डायल करेंगे तो हम लोग अनदर मिक्स टोन सुनेंगे. और टाइम के साथ जो टेलीफोन है वो चेंज होते गया है, वो कॉर्डलेस भी हो गया है जो शॉर्ट रेंज के लिए बात करते हैं, और मोबाइल फोन्स भी आ गया है. लेकिन जब हम लोग बात करें टेलीफोन के स्ट्रक्चर का, तो ये जो सेट है वो कंसर्न्ड है और ये सेम ही है. नाउ द डायलिंग इज बाय प्रेसिंग द कीज. वी स्पीक इनटू द माउथ पीस एंड हियर द अदर पर्सन थ्रू द स्पीकर. इन अ बेसिक फोन द स्पीकर एंड द माइक्रोफोन्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द फोन सेट. इन दिस वे द सेट कैन बी हेल्ड क्लोज टू फेस सच दैट द स्पीकर इज क्लोज टू आवर ईयर एंड द माइक टू आवर माउथ. तो हम लोग जब डायल करते हैं तो उसमें हम लोग को कीज को प्रेस करना पड़ता है और हम लोग माउथ पीस में बोलते हैं और दूसरे पर्सन जो बोलते हैं अदर साइड से, हम लोग उसे स्पीकर के थ्रू सुनते हैं. बेसिक फोन में जो स्पीकर माइक्रोफोन से वो फोन सेट्स के एंड में होता है, इस तरीके से वो सेट होता है कि हम लोग उसे अपने फेस के साथ क्लोज हेल्ड करते हैं और जो स्पीकर है वो हमारे ईयर के पास होता है और जो माइक होता है वो हमारे माउथ के पास होता है. The speech is controlled by a mouthpiece which contains a mic. It includes a diaphragm. In the old phones, the diaphragm was made of two metallic sheets between which carbon granules were filled. As one speaks, the diaphragm is pressed, following the same pattern as the sound of a speaker. In turn, the carbon granules also get compressed and decompressed, coming closer and moving away, thus increasing and decreasing the conductivity. A current is seen through the diaphragm.
The source of this DC current, a few mA, is a battery at telephone exchange, and the current comes to our phone. This leads to very electrical current. This current will depend upon the sound pressure, hence this can pattern the signal being sent through the amplifier and the cable. Nowadays, there are electronic microphones. This signal as electrical current is sent to a junction box outside house using a pair or copper of aluminium wires. There are signals from other houses also reaching this junction box. All of these electrical wires carry voice signals, sound converted into electrical signals that are sent through a common coaxial cable housing many pairs of copper wires to the telephone company's exchange. From there, they can be routed either through metallic or fiber optical cables. These days, the signals are also routed from the exchange through microwaves using satellites, especially for international calls. To avoid our own voice reaching our ears, a duplex coil is placed in the circuit of the microphone. In addition, there is a ringer. When someone calls, it rings a bell, and we know that we have to attend a phone call. So, जो speech हम लोग का control किया जाता है वो mouthpiece के साथ किया जाता है, जो कि हमारे phone में एक mic contain रख किया जाता है, और इसमें एक diaphragm होता है. ओल्ड फोन्स में जो डायफ्राम था वो दो मेटेलिक शीट से बना हुआ होता था और वो कार्बन ग्रेन्यूल्स के बीच में भरा हुआ था. जब कोई बोलता था तो जो डायफ्राम था वो प्रेस होता था और ये सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए स्पीकर से साउंड का प्रोडक्शन होता था. इसके वजह से जो कार्बन ग्रेन्यूल्स था वो कंप्रेस्ड होता था और डिकम्प्रेस्ड होता था, और जब ये मूव करता था तो इसमें जो कंडक्टिविटी है वो कभी इंक्रीज होता था और कभी डिक्रीज होता था, और जो करंट है वो डायफ्राम के थ्रू भेजा जाता था. और करंट का सोर्स था डीसी बैटरी में, और टेलीफोन एक्सचेंज जो हमारे थे वो हम लोग उसे करंट क्या है कि हम लोग उसे अभी फोन में एक्सचेंज किए हुए. ये जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट को वेरी करता है, और ये जो करंट है वो डिपेंड करता है साउंड प्रेशर पे. हेंस जो इसका पैटर्न है सिग्नल का वो सेंड किया जाता है एम्पलीफायर और केबल के थ्रू. आज के दिन में जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोफोन्स है उसमें जो सिग्नल है वो जंक्शन बॉक्स जो कि हमारे घर के आउटसाइड में पेयर किया गया है और कॉपर या फिर एल्युमिनियम वायर से उसके द्वारा सेंड किया जाता है. ये जो सिग्नल्स है वो हमारे घर से भेजे जाते हैं और जंक्शन बॉक्स के थ्रू भेजे जाते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स है वो वॉइस सिग्नल्स को कैरी करते हैं जो कि वो साउंड को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और ये कॉमन कोएक्सियल केबल के थ्रू सेंड करते हैं जो हाउसिंग में है हमारे जो पेयर्स है कॉपर वायर्स का या फिर टेलीफोन कंपनीज का वो एक्सचेंज करते हैं. हाँ, हम लोग देख सकते हैं कि जो मेटेलिक और फाइबर ऑप्टिकल केबल्स है वो राउटेड किए गए इन दिनों जो सिग्नल्स है वो एक्सचेंज किए जाते हैं राउटेड के थ्रू माइक्रोवेव और सैटेलाइट्स, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल कॉल्स. इंटरनेशनल कॉल के लिए हम लोग सैटेलाइट्स का यूज करते हैं, और हम लोग जब मोबाइल फोन में बोलते हैं तो हमारा आवाज हम तक ही ना पहुंचे इसके लिए मोबाइल फोन में एक डुप्लेक्स कॉइल का फॉर्मेशन किया गया है जो कि माइक्रोफोन के सर्किट में होता है. और इसके अलावा मोबाइल फोन में एक रिंगर होता है, जब कोई कॉल हमें करता है तो उसका बेल रिंग होता है और हम लोग जान जाते हैं कि हम लोग को फोन को अटेंड करना है. द हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय अ स्पीकर. इट कंसिस्ट ऑफ अ डायफ्राम विथ अ परमानेंट मैग्नेट अटैच टू इट ऑन वन एंड एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लोज टू द अदर एंड. द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन विथ अ कॉइल wound around it. The signal comes and flows through the coil. This causes the iron core to be magnetized. This naturally causes the diaphragm to vibrate in the same pattern and incoming current or voice. This generates sounds that we hear. तो जो हम लोग हियरिंग हम लोग जो भी सुनते हैं जो मोबाइल फोन पे दूसरे साइड से बोला जाता है हम जिससे सुनते हैं उस साउंड को तो वो स्पीकर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. इसमें एक डायफ्राम होता है एक परमानेंट मैग्नेट के साथ अटैच होता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ क्लोज होता है एक दूसरे के एंड में टच में होता है. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक पीस है सॉफ्ट आयरन का और इसके चारों ओर कॉइल का घेरा लगा हुआ था. जो सिग्नल है वो इससे फ्लो करता है कॉइल के थ्रू से, और इसके कारण जो आयरन कोर है वो मैग्नेटाइज हो जाता है और ये नेचुरली जो डायफ्राम में वो वाइब्रेट करता है सेम पैटर्न के साथ, और जो भी इनकमिंग करंट और वॉइस आता है हम लोग उसे सुनते हैं, और इसके कारण जो भी साउंड जनरेट होता है उसे हम हियर करते हैं. मोबाइल फोन्स हैव ब्रॉट ग्रेट कन्वीनियंस इन डेली लाइफ. द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम इन मोबाइल फोन्स ऑल्सो.
But for them, the sound doesn't travel through cables or wires. It travels as electromagnetic wave through space via antennas, base towers, switching stations, or even satellite, and then again the antenna. When a number is dialed, the electromagnetic field is spread all around through antenna of the mobile. The signal is received by the nearby microwave tower and then by the switching station. This station retransmits it in all directions. It doesn't know where the intended mobile may be, and a part is available to the other antennas in other places. When an antenna near the intended receivers gets the signal, it also retransmits it, and this is received by the antenna of the intended mobile, which rings. जो मोबाइल फोन से वो हमारे लिए डेली लाइफ में बहुत ही बड़ा एक सुविधा लेकर आया है. जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है हमारे मोबाइल फोन का वो सेम है टेलीफोन की जैसा है, लेकिन इसमें जो साउंड है वो केबल्स और वायर के थ्रू ट्रैवल नहीं करता है. ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू स्पेस और एंटीनास और फिर जो बेस टावर स्विचिंग स्टेशन है उसके द्वारा ट्रैवल करता है. उसके बाद फिर ये एंटीना में और एंटीना के साथ ट्रैवल करता है. जब हम लोग नंबर डायल करते हैं और जो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो चारों ओर फैल जाता है एंटीना के थ्रू मोबाइल के, और जो सिग्नल है वो रिसीव किया जाता है नियर बाई जो पास में माइक्रोवेव होता है टावर उसके द्वारा और स्विचिंग स्टेशन के द्वारा. जो स्टेशन है वो इसको रिट्रांसमिट करता है सारे डायरेक्शन में, और ये नहीं जानता है कि जो इंटेंडेड मोबाइल है या फिर जिस मोबाइल से हम लोग डायल कर रहे हैं वो कहाँ पे, और इसका जो पार्ट है वो अवेलेबल होता है अदर एंटीनास के पास दूसरे प्लेसेस पे. जब एंटीना हमारा इंटेंड करता है रिसीवर के पास सिग्नल को, तो ये जो रिट्रांसमिट करता है और एंटीना उसको रिसीव करता है इंटेंडेड मोबाइल जो कि रिंग करता है. फाइल फुली कंक्लूसिव एविडेंस मे नॉट बी अवेलेबल. देयर आर apprehensions about the possible health hazards such as brain tumor associated with use of mobile phone. The microwaves used by mobile phone setups are absorbable by water. It is apprehended by some that prolonged conversation on mobile phone can't result in considerable microwave dust to brains which contains fluids. The children's brains contain more fluids and the skull is thinner. Hence they are more susceptible. Experimental evidence exists and common experience suggests that long duration conversations leads to temperature increase in body part close to the mobile phone. A study conducted with the support of World Health Organization by the International Agency for Research on Cancer categorizes the radio frequency electromagnetic fields as group B agents that could possibly be carcinogenic to humans. It may be advisable not to hold them too close to heat. One should limit the use of mobiles to the shortest possible durations, especially at a stretch and close to the same ear. One may also be advised to use earphones if long duration talk becomes necessary. यहाँ पे possible evidence नहीं है, but यहाँ पे mobile phones के बहुत सारे health hazards हैं, जैसे कि brain tumor, जो कि हम लोग long time तक अगर mobile phone से किसी से बात करते हैं तो ब्रेन ट्यूमर का खतरा होता है. जो माइक्रोवेव्स मोबाइल फोन सेट्स के द्वारा निकलते हैं वो वाटर के द्वारा एब्जॉर्बेबल होते हैं, और जो हम किसी से बहुत देर तक बात करते हैं मोबाइल फोन पे तो इसके कारण जो माइक्रोवेव निकलता है वो हमारे ब्रेन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसमें फ्लड्स होते हैं हमारे ब्रेन में. तो पता ही होगा कि फ्लड्स पाए जाते हैं, तो ये जो माइक्रोवेव्स है वो हमारे ब्रेन के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं. जो चिल्ड्रेंस का ब्रेन होता है उसमें ज़्यादा फ्लड्स होता है, और जो स्कल होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है. Hence, वो बहुत ही ज्यादा इसके सस्पेक्टेबल हो जाते हैं, उनको ज्यादा खतरा होता है. और एक्सपेरिमेंट में ये एविडेंस दिया गया है कि जो ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब हम किसी से लॉन्ग ड्यूरेशन तक मोबाइल फोन पे कन्वर्सेशन करते हैं तो इससे हमारा जो बॉडी पार्ट है जो हमारे मोबाइल फोन से टच में है वो उसका वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है. स्टडी कंडक्ट किया और सपोर्ट किया इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर. इसने कैटेगराइज किया रेडियो फ्रिक्वेंसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एज ग्रुप बी एजेंट्स, जिसके कारण जो जो कैंसर है वो हो जाता है, ठीक है, ह्यूमंस को कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस. ये ग्रुप बी है और इसके कारण ह्यूमंस को कैंसर हो सकता है. ये एडवाइस दिया जाता है कि फोन को अपने सिर के पास क्लोजली होल्ड नहीं करना चाहिए. किसी को अगर किसी से बात करना है तो वो शॉर्टेस्ट
ड्यूरेशन तक होना चाहिए, और जो मोबाइल फोन है वो आपके ईयर के पास नहीं होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ गया देर तक बात करने के लिए तो ईयरफोन्स का यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ सैटेलाइट्स, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट इन कम्युनिकेशन। सैटेलाइट्स आर बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स। ऑल द प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम एक्सेप्ट मरकरी हैव नेचुरल सैटेलाइट्स। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ बट वी हैव आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉस्ट बाई सेवरल कंट्रीज। यू मे हैव समटाइम्स नोटिस्ड आफ्टर सन टीनी पॉइंट्स ऑफ लाइट मूविंग इन द लो स्काई। दे आर मूविंग टू फास्ट टू बी स्टार्स। दीज आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ग्रोइंग ड्यू टू स्कैटर्ड सनलाइट विच इज बिलो अवर हॉरिजन बाई दैट टाइम। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज बाई नेम स्पुटनिक फर्स्ट and launched by USSR on October 4, 1957. It carried a radio transmitter. The first American satellite to relay communications was Project SCORE in 1958. India launched the first artificial satellite Aryabhata from a USSR launching facility on 19th April 1975. This was followed by Bhaskar first, 7 June 1979. After developing indigenous launch vehicle SLV-3, India launched 35 kg Rohini first satellite 18th July 1980 using a four-stage SLV-3 vehicle followed by two more in the Rohini series. The next was Apple Ariane passenger payload experiment. These were followed by many satellites like Bhaskar second and InSat. Indian National Satellite Series, which have been used for communication, TV and radio broadcasts. In 1988, the first satellite of IRIS series was launched aimed at Sirius remote sensing work and applications. Since then, India has successfully launched many satellites for remote sensing and communication. सैटेलाइट एक ऐसा बॉडी है जो हमारे प्लैनेट्स के चारों ओर रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़ के उनके अपने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है, लेकिन हम लोग के पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है जो कि बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि जब सनसेट होता है तो उसके तुरंत बाद कुछ छोटा सा पॉइंट हमारे स्काई में चक्कर लगा रहता है, हमारे आसमान में, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होता रहता है। और ये इतना फास्ट चक्कर लगाता है कि उतना स्टार्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ये जो ये होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, और वो ग्लो करते हैं सनलाइट की वजह से जो कि स्कैटर्ड हुआ रहता है उस टाइम। और जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसका नाम स्पुटनिक फर्स्ट था, वो लॉन्च किया गया था यूएसएसआर के द्वारा October 4, 1957 में, और इसमें एक रेडियो ट्रांसमीटर वो कैरी करके लेके गया था। फर्स्ट अमेरिकन सैटेलाइट रिले कम्युनिकेशन के द्वारा प्रोजेक्ट स्कोर किया गया था 1958 में। इंडिया ने भी अपना फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट यूएसएसआर के द्वारा लॉन्च किया था 19th अप्रैल 1975 को। और इसके बाद इंडिया ने भास्कर फर्स्ट 7 जून 1979 को भेजा। इसके बाद एक इंडिजेनस लॉन्च व्हीकल SLV-3 था। उसके बाद जो इंडिया था वो 35 kg रोहिणी फर्स्ट सैटेलाइट को 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया। उसके बाद फिर उसने फोर स्टेज SLV-3 व्हीकल को यूज किया। उसके बाद उसने रोहिणी सीरीज के दो मोर रोहिणी सीरीज के दो ज्यादा सैटेलाइट्स को वो उसने भेजा। रोहिणी के बाद दो और सैटेलाइट्स को उसने अपने सीरीज में भेजा। और इसके बाद एक एप्पल गया सैटेलाइट, एप्पल स्टैंड फॉर एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट्स गए, भास्कर सेकंड गए, इनसैट, स्टैट्स फॉर इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज, ये सारे सीरीज में गए। और इसके बाद हम लोग सैटेलाइट्स का यूज हम लोग कम्युनिकेशन के लिए किए, टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्ट। जो भी टीवी में प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते हैं या रेडियो में ब्रॉडकास्ट होते हैं प्रोग्राम, वो सैटेलाइट्स के थ्रू ही हमारे लिए संभव हो पाया है। 1988 में फर्स्ट सैटेलाइट IRS सीरीज लॉन्च हुआ था, और इसका सीरीज जो इसका एम था वो था कि वो रिमोट के द्वारा वर्क करे, रिमोट के सेंस से और उसके एप्लीकेशन से। उसके बाद इंडिया भी सक्सेसफुल हुआ लॉन्च करने में बहुत सारे सैटेलाइट्स जो वो रिमोट के सेंसिंग से
वर्क कर सके और कम्युनिकेशन कर सके। हैविंग सैटेलाइट्स इन स्पेस प्लेसेस अस इन अ प्रिविलेज पोजिशन। इफ वी आर ऑन ग्राउंड देयर इज अ लिमिट अप टू विच अर्थ फीचर्स कैन बी सीन बाय अस, बट व्यूइंग अर्थ फ्रॉम अ डिस्टेंस हैज एन एडवांटेज। इट अलाउज अस टू लुक अप टू हाफ ऑफ द प्लैनेट इफ द डिस्टेंस इज सफिशिएंटली लार्ज। We can send electromagnetic signals to the other side of the globe through the satellites in space. Therefore, the artificial satellites have come to play a very important role in any country's infrastructure. They serve very important role in communication, space research, survey of natural resources like minerals on Earth, weather prediction including movement of clouds, also change in course of rivers and disaster monitoring, floods, cyclones, tsunami, etc. Communication becomes important for imparting education. The idea that satellites could be used for communication came from Arthur C. Clarke in mid-40s. That is the reason the geostationary or geosynchronous orbit is also called Clarke orbit. Clarke rose to become one of the greatest science fiction writers. जो सैटेलाइट से अपने प्रीवियस पोजीशन पे रहता है और हम लोग जब ग्राउंड पे होते हैं तो उस पर लिमिट होता है कि हम लोग अर्थ के फीचर्स को देख पाते हैं, लेकिन हम लोग जब अर्थ को देखते हैं डिस्टेंस से तो उसका एक एडवांटेज भी है। ये हमें अलाउ करता है कि हम लोग अर्थ जो हमारा प्लानट है उसको हाफली देख सके। हम लोग अगर स्पेस सफिशियंटली इसके डिस्टेंस से थोड़े दूर होंगे तब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को जो दूसरे साइड से ग्लोब से भेजा जाता है स्पेस में, हम लोग उसको भी कंडक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स है वो किसी भी कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को में बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है। और ये जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो कम्युनिकेशन में प्ले करता है, स्पेस रिसर्च वर्क में करता है, या फिर जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसके सर्वे में करता है, जैसे कि अर्थ पे किस पार्ट में कितना मिनरल्स है, या फिर ये वेदर प्रेडिक्शन में भी हेल्प करता है, जैसे कि क्लाउड्स का मूवमेंट्स हो रहा है, या फिर जो रिवर्स के जो पोर्स उसमें चेंजेस आ रहे हैं, या फिर डिजास्टर मॉनिटरिंग जैसे कि फ्लड, साइक्लोन्स या सुनामी कब आने वाले से हम लोग सेटेलाइट से ही पता लगाते हैं। कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट बन चुका है और इम्पार्टिंग एजुकेशन का, और ये जो आइडिया सेटेलाइट्स का कम्युनिकेशन के लिए वो पहली बार आर्थर सी क्लार्क के द्वारा मिड 40s में दिया गया था। और यही रीजन है कि जो हमारे जो अर्थ का एक पार्ट है जियो स्टेशनरी या जियो क्रोनस ऑर्बिट, उसे हम लोग क्लार्क ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। जो क्लार्क है वो एक ग्रेट साइंस फिक्शन राइटर्स भी थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेंट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ अर्थ कांट रीच जस्ट एनी पार्ट ऑफ अर्थ, इफ सेंट डाउनवर्ड्स दे विल बी लिमिटेड टू अ स्मॉल डिस्टेंस ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, इफ ट्रांसमिटेड अप they will keep going straight and hit ionosphere, a layer of charges in the space at 50 kilometers and more above the ground. Then they will be reflected to Earth and reach some part which is far away from the source. Thus, a huge area in between will be a dark zone where the signal wouldn't reach. Instead of the ionosphere, one may use satellites to retransmit the signals, but we need more than one satellite which can receive the signal sent from ground and retransmit it in different directions. Therefore, it was thought that several satellites in space could together cover whole of Earth and facilitate communication. So, electromagnetic waves को हम लोग अर्थ के किसी भी पार्ट में सेंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसके पास पहुंच नहीं सकते। अगर हम लोग इसे डाउनवर्ड्स में सेंड किए तो ये लिमिटेड होगा और ये स्मॉल डिस्टेंस तक ही जाएगा, क्योंकि जो अर्थ कर्वेचर वो इस तरह से ही बना रहता है कि वो लिमिट देता है डिस्टेंस कवर करने के। अगर हम लोग उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसमिट किए तो ये स्ट्रेट जाएगा और ये आयनोस्फीयर जो है उसको हिट कर देगा। इसमें जो लेयर होगा चार्जेस का स्पेस में 50 किलोमीटर तक जाएगा और ये अबव द ग्राउंड होगा और वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा अर्थ पे, और वो अर्थ के हिस्से तक पूरे जो अर्थ का जो पार्ट है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और जो अर्थ है उसका ह्यूज एरिया है, एक डार्क जोन है जिसमें सिग्नल है वो पहुंचता नहीं है। और आयनोस्फीयर जो है वो एक ऐसा सैटेलाइट्स को वो यूज करते हैं जो रिट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को, लेकिन हम लोग को एक सैटेलाइट से ज्यादा की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे सिग्नल्स को रिसीव कर सके और हमें ग्राउंड तक उसे रिट्रांसमिट कर सके डिफरेंट डायरेक्शंस के थ्रू।
इसलिए ये सोचा जाता है कि अगर हम लोग सेवरल सैटेलाइट्स को स्पेस में भेज दें तो वो एक साथ पूरे अर्थ को कवर करेगा और ये हमारे कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करेगा। अ सैटेलाइट्स पोजीशन एंड ऑर्बिट आर क्रिटिकल। द सैटेलाइट हैज टू बी लॉन्च यूजिंग अ रॉकेट लिफ्टेड इनटू द करेक्ट ऑर्बिट एंड गिवन व्हिचएवर एनर्जी एंड मोमेंटम इन द राइट डायरेक्शन सो दैट इट कीप्स मूविंग। अ सैटेलाइट कुड बी जियोस्टेशनरी which remains stationary with respect to Earth. A satellite in a geostationary orbit keeps moving at the same angular speed as Earth and in the same direction as rotation of Earth. So a geostationary satellite has a revolution time which equals the rotation time of Earth was 24 hours. It appears to be in a fixed position to an observer on Earth. It can keep looking at the same spot on Earth for a very long time. Monitor the changes and transmit the data to ground station, thus to direct antennas towards the satellite to receive the signal. One doesn't have to keep tracking a moving satellite. That would have demanded expensive instruments on ground for direct TV transmission. This means huge savings because it does away with the need for too many ground antennas. Placing a satellite at 36,000 kilometers has added advantages that it just falls under the gravitational pull of Earth and is energy economical, though it's more expensive to launch compared to low orbit satellites. Low orbit satellites are placed about 400 kilometers above ground, but being low, they can see only a small portion of the ground below. There are polar satellites that move over the poles. The remote sensing satellites have been placed in comparatively low, less than 1000 kilometers high. Orbits in contrast with communication satellites in geostationary satellites which move at 36,000 kilometers above Earth. The remote sensing satellites should be launched such that they make observation at any place between 10 a.m. and 2 p.m. so that the ground is illuminated from the top and images come out clearer. हम लोगों जो एक सैटेलाइट है उसका पोजीशन बहुत ही ऑर्बिट का क्रिटिकल होता है। जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च करते हैं हम लोग रॉकेट के यूज से, इसमें हम लोग ऑर्बिट को करेक्ट लेवल तक लिफ्ट करते हैं, उसमें फिर स्विचेबल एनर्जी को देते हैं ताकि जो मोमेंटम है वो राइट डायरेक्शन के थ्रू वो मूव करता रहे। जो सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी हो सकता है जो कि अर्थ के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी रहता है। जो सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे रहता है और वो सेम एंगुलर में मूव करता है जो अर्थ, जिस एंगुलर में वो मूव करता है और वो सेम डायरेक्शन में भी मूव करता है जैसे जिस डायरेक्शन में हमारा अर्थ रोटेट करता है। सो बेसिकली जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका जो रिवॉल्यूशन टाइम है वो अर्थ के एक रोटेशन टाइम के इक्वल है जो कि 24 आवर्स है और ये फिक्स पोजिशन में दिखेगा। और जो कि अर्थ से जब कोई ऑब्जर्वर इस सैटेलाइट्स को देखना चाहे तो वो फिक्स पोजीशन में दिखेगा और हम लोग सेम स्पॉट में देखेंगे हर एक टाइम में। हम लोग जब भी मॉनिटर करेंगे तो ये जो डाटा है ग्राउंड स्टेशन से वो ट्रांसमिट होता है और जो डायरेक्ट एंटीनास है सैटेलाइट के थ्रू वो रिसीव करते सिग्नल्स को और जो भी सैटेलाइट मूव कर रहा है वो हमेशा ट्रैक करते रहता है। और इसका जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि ग्राउंड से डिटेक्ट करता है टीवी ट्रांसमिशन को और ये ह्यूज सेविंग करता है क्योंकि हमारा जो ग्राउंड से बहुत सारे नीड है एंटीनास के और जब सैटेलाइट को हम लोग प्लेस करते हैं 36,000 किलोमीटर्स पे तो उसके जो एडवांटेज है वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से और जो एनर्जी इकोनॉमिकल टो है वो क्या है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं कि हम लोग किसी भी लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च किए तो वो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स है हम लोग उसको 400 किलोमीटर अबव ग्राउंड यानी कि अपने ग्राउंड से 400 किलोमीटर अबव रखते हैं, लेकिन जब इससे लो जाते हैं तो हम लोग इसके स्मॉल पोर्शन को ग्राउंड को देखते हैं क्योंकि इसमें जो पोलर सैटेलाइट्स है वो मूव करते रहते हैं पोल्स के साइड में। जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है वो कंपैरेटिवली लो है, लेस देन 1000 किलोमीटर हाई। ओके और जो ऑर्बिट है उसका जो कम्युनिकेशन होता है सैटेलाइट का वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो कि 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ अबव के 36,000 किलोमीटर अबव होते हैं। जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उसे लॉन्च करना चाहिए इस तरीके से कि जो ऑब्जर्वेशन होता है किसी भी प्लेस पे हम लोग उसे 10 एएम से 2 पीएम के बीच में करें तो जो ग्राउंड है वो इल्यूमिनेट होते हुए दिखता है और जिसका टॉप इमेज है वो हमारे लिए क्लियरर निकल के आता है। अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज यूजफुल फॉर कंट्रीज एट
low latitudes such as India. The satellite is placed at an altitude of 36,000 kilometers, going around in the plane of equator and making one revolution around Earth in 24 hours. However, as Earth also makes one rotation in 24 hours, the satellite looks at the same place on ground all the time. From this altitude, it can view about one third of Earth. The signal is sent from ground to the satellite as microwave at certain frequency, and the satellite retransmits it to the other parts of Earth at a different but still as microwave frequency. Moreover, it has wavelengths of the order of a millionth of a meter. The highly directional antennas on Earth receive these microwave signals. The satellites make it possible to send TV radio signals to faraway places on Earth, even on the other side of the globe. The geostationary satellite is a low-latitude country mein useful hota, jaise ki India. और ये जो सैटेलाइट होता है इसके एल्टीट्यूड होते हैं 36,000 किलोमीटर और ये इक्वेटर के प्लेन में जाता है और वो एक रिवॉल्यूशन अर्थ के इक्वल में करता है जो कि है 24 घंटा. लेकिन जो अर्थ है वो एक रोटेशन तो 24 घंटे में करता है, लेकिन जो सैटेलाइट है वो सेम प्लेस पे रहता है. जब हम लोग ग्राउंड से उसको देखते हैं हर एक टाइम में वो हम लोग को सेम पोजिशन में दिखेगा और इस एल्टीट्यूड से हम लोग अर्थ के वन थर्ड पार्ट को देख सकते हैं. जो सिग्नल सेंड किया गया ग्राउंड से सैटेलाइट के थ्रू माइक्रोवेव से, तो जिसका सर्टेन फ्रीक्वेंसी होता है सैटेलाइट का, वो रिट्रांसमिट करता है अदर पार्ट्स ऑफ अर्थ को डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से. जो माइक्रोवेव इसका वेवलेंथ है वो एक मीटर का मिलियंथ पार्ट है. जो हाईली डायरेक्शनल एंटीना से अर्थ का वो रिसीव करता है माइक्रोवेव सिग्नल्स को, और जो सैटेलाइट से वो इसको पॉसिबल करता है कि जो भी रेडियो पे प्रोग्राम चल रहा है, फिर जो टीवी पे प्रोग्राम चल रहा है, उसको वो अर्थ के ग्लोब के दूसरे पार्ट में भी सेंड करता है. ऑर्बिटल रेडियस किलोमीटर, यहाँ पे ऑर्बिट के रेडियस दिए गए हैं किलोमीटर में. लो ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट लियो 160 किलोमीटर टू 1400 किलोमीटर. मीडियम अर्थ ऑर्बिट मियो 10 to 15,000 किलोमीटर. जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जियो 36,000 किलोमीटर. ये हमारे अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस था. कंप्यूटर एंड इंटरनेट, टुडे कंप्यूटर्स आर इनएविटेबल इन डेली लाइफ. Computers play a major role in publishing industry, designing of houses, controlling the functioning of cars and garments, computerized machining, regulating air traffic, and in simple as well as the most sophisticated scientific instruments. Even at home, majority of the gadgets, fitted television, automatic washing machine, television or microwave oven, one finds applications of computers. Besides this, they have revolutionized communication. तो आज हमारे डेली लाइफ में कंप्यूटर का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है. कंप्यूटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इंडस्ट्री को पब्लिश करने में, हाउस को डिजाइन करने में, कार के फंक्शंस को कंट्रोल करने में, या फिर जितने भी गारमेंट्स के फंक्शंस को कंट्रोल करने में. कंप्यूटराइज्ड मशीनिंग हमारे पास, हम लोग एयर ट्रैफिक भी रेगुलेट करते हैं तो बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. तो जो कंप्यूटर वो सिंपल एज वेल एज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हम लोग के लिए बन चुका है. हम लोग घर पे जो भी गैजेट्स होते हैं, या तो वो टेलीविजन हो या फिर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव ओवन हो, हम लोग सब में देखेंगे कि यहाँ पे कंप्यूटर के एप्लीकेशंस हम लोग यूज कर रहे हैं. इन सब के अलावा हम लोग जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो भी हम लोग कंप्यूटर के हेल्प से रिवॉल्यूशनाइज कर चुके हैं. कंप्यूटर्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन टू एंड फ्रॉम एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड इवन यूज बोट्स, इन मनी ट्रांजेक्शन एंड इन मेंटेनिंग एंड प्रोसेसिंग financial records such as in automated teller machine, ATM and banks. In the form of application to internet, computers have emerged as a very strong communication link. Using email, one can send a message, chat live, data send and receive text, and even talk instantly, which has revolutionized communication. Earlier, it would be weeks before one could send a message and receive reply from abroad. Today, it's a matter of seconds. Thus, certainly, this certainly helps the dissemination and growth of knowledge. जो कंप्यूटर से कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट के कम्युनिकेशन, शिप्स और इवन जो बोट्स होते हैं ना बड़े बड़े, उनके कम्युनिकेशन में एयरक्राफ्ट के कम्युनिकेशन जितने भी है वो सब कंप्यूटर हेल्प करते हैं. मनी ट्रांजेक्शन भी होता है, हम लोग मेंटेन करते हैं या फिर प्रोसेस करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को भी, तो वो भी कंप्यूटर जिसको रिकॉर्ड में रखता है. जैसे कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, विच इज स्टैंड फॉर ATM एंड बैंक्स.
तो जो एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं कंप्यूटर का, इंटरनेट का, वो हमारे लिए इमर्ज हो चुका है और ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन लिंक के फॉर्म में वर्क कर रहा है। हम लोग ईमेल को यूज कर रहे हैं, तो हम लोग इससे क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं, हम लोग लाइव चैट करते हैं और हम लोग तुरंत किसी से बात कर लेते हैं। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो रिवॉल्यूशनाइज हो चुका है। पहले बहुत टाइम लग जाता था, सप्ताह लग जाता था, महीने लग जाता था जब हम किसी को मैसेज भेजते थे और विदेश से उस मैसेज का रिप्लाई आता था, लेकिन आज ये बस कुछ पलों का ही बात रह गया। हम लोग जैसे किसी को SMS भेजे तो वो कुछ सेकंड में ही हम लोग को रिप्लाई भेज देते हैं। तो ये सब हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट के हेल्प से ही पॉसिबल हो पाया है। हैम, द टर्म हैम इज नॉट फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज, इट वॉज कॉइंड टेकिंग द फर्स्ट लेटर्स फ्रॉम द सरनेम ऑफ दोज थ्री पर्सन हु स्टार्टेड दिस वे ऑफ वायरलेस टू वे कम्युनिकेशन। दे वर एस हाइमन, बॉब एल्वी एंड पुगी मुरे। It was in 1908 that they started an amateur radio club which has grown to the present worldwide group of amateurs. Even today when mobile phones are so common, the ham comes handy in case of disasters when all other means of communication break down. Ham uses radio waves. Radio waves are electromagnetic waves in the range about 10 cm to 10 km. And hence they travel at a velocity in vacuum of about 3 lakh kilometers per second. Sound is converted into electromagnetic signal and transmitted using an antenna. The sound is intercepted by the receiver which converts it back to sound. तो हैम कोई भी इंग्लिश जो हम लोग ऐसा माने कि हम जब हम लोग हैम सुनते हैं वर्ड तो लगेगा कि एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये एक इंग्लिश लैंग्वेज से कोई वर्ड नहीं है। हैम उन तीन पर्संस का सरनेम का पहला अक्षर है जिन्होंने इस वायरलेस सुविधा को स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन के लिए। इनके नाम है एस हाइमन, बॉब एल्बी एंड पुगी मुरे। उन्होंने 1908 में एमेच्योर रेडियो क्लब स्टार्ट किया था जो कि आज भी इस सुविधा को हम लोग यूज करते हैं। हम लोग के पास मोबाइल फोन्स भी है, लेकिन हम लोग डिजास्टर के टाइम में हैम को यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। हैम रेडियो वेव्स को यूज करता है, इसमें जो रेडियो वेव्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेंज में वर्क करता है। ये वर्क करता है 10 सेंटीमीटर से 10 किलोमीटर तक और इसलिए ये ट्रेवल करता है वेलोसिटी में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब इसको जो वैक्यूम में भी ये ट्रेवल कर सकता है। जो साउंड है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में, उसके बाद ये एंटीना की यूज से ट्रांसमिट किया जाता है। जो साउंड है वो इंटरसेप्ट करता है रिसीवर को जो कि बैक टू साउंड, मतलब जो हम लोग जिस चीज को सुन रहे हैं फिर हम लोग उस चीज को बोल रहे, तो फिर इससे वो उस चीज को साउंड में कन्वर्ट कर देता है। Now, based on your understanding, try to solve in text question 18.5. Well, chapter complete हो चुका है। अगर इस chapter से किसी भी topic से problem हो तो अपने problem को comment box में रखें, हम उसे solve करने का कोशिश करेंगे। सारे in text question और terminal exercise बनाने का कोशिश करें। ये रहा terminal exercise। और यहाँ से आंसर स्टार्ट है, जहां पे नहीं दिख रहा वहां पे जूम करें या फिर पॉज करके देख लें। थैंक यू एवरीवन।